हाँ जी, किदां फिर सारे वधिया। परमात्मा तुहानू सारिआं नू हमेशा चढ़दी कला च रखे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। वैलकम बैक टू माई चैनल बल्ले बल्ले, और मैं हूँ आपका वन एंड ओनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। सो आप सभी को एक बार फिर से करता हूँ नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हेलो जी। और ये ब्राउन अंग्रेज है, ये अंग्रेज छोड़ो, ये तो औरंगजेब है, मॉडर्न औरंगजेब बन चुके। जो रोटी आपको मिल रही है ना, आटा जो अभी 25-30 रुपए किलो मिल रहा है, जब 500 रुपए किलो मिलेगा ना तो आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, इसी किसान प्रोटेस्ट के दौरान मैं मीडिया को जब खंगाल रहा था तो मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें एक आम इंसान, जी हाँ एक आम इंसान जो कि एक किसान है, इस देश का एक नागरिक है, सिख कौम का नुमाइंदा है, लेकिन ये देश को तोड़ने नहीं जोड़ने की बात करता है। मेरी आपसे यही गुजारिश है, इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये सही लगे तो इसको इतना शेयर कीजिए कि भारत के हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे। अब ये सरकार यही कर रही है, पहले हिंदू मुस्लिम कर दिया, अब हिंदू सिख करने की कोशिश करी गोदी मीडिया ने। दोस्तों, इस वक्त देश के हालात बहुत नाजुक हैं। जिस किसान के बगैर इस देश का, हम सब का, मेरा आपका कोई वजूद नहीं है, वही किसान अपने हक की लड़ाई के लिए इस ठिठुरती ठंड में पिछले 3-4 महीने से दिल्ली की सड़कों पे बहुत शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन सरकार किसानों की बात तो सुनना दूर रहा, सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये भी बंद कर दो, कहेंगे चैनल भी चलाना है तो सिर्फ अदानी और अंबानी का चलाना है। 2040 में अगर कोई नोट आना होगा ना, हो सकता है 2000 का या 4000 का, वो शायद उसके अंबानी के घर पे पड़ा होगा, कभी चेक कर लेना जाके, ये हालात है। वहीं पे इस देश का नेशनल मीडिया, जिसको आम इंसान की जुबान समझा जाता है, मगर आज के इस दौर में जुबान को लकवा मार गया है। इसके पास हर खबर दिखाने का वक्त है, लेकिन किसान किस मुश्किल से जूझ रहे हैं, या किसानों की परेशानी क्या है, या किसान क्या कहना चाहते हैं, ये दिखाने का इसके पास वक्त ही नहीं है। लेकिन शायद सरकार और मीडिया इस बात को भूल चुकी है कि किसान जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए इनका मोहताज नहीं है। उनकी आवाज़ में इतना दम है कि आज नहीं तो कल जनता ये जान जाएगी कि किसानों की क्या मजबूरी और कौन सही है और कौन है गलत। सुधीर जी को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि यू आर नॉट इमॉर्टल, यू विल डाई वंस, दिस इज अ जर्नी ऑफ अ ट्रेन। एक बार घर जाके ना इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये व्यक्ति इतना बेबाक है कि इसने बहुत खूबी से मीडिया के एक बहुत बड़े नुमाइंदे को ये बात कह डाली कि उसे आत्म मंथन करने की ज़रूरत है, उसे अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते। जब भी हम शीशे में, आईने में अपने आप को देखेंगे तो हमें पता है कि हम कितने पानी में हैं। स्पेशली ये 3 चैनल सुधीर, और सबसे गंदा ये रिपब्लिक वाला, इसको महाराष्ट्र वालों ने जो ठोका था बिल्कुल सही ठोका था। कोई इंटरव्यू नहीं देना, कोरोना से खतरनाक है ये। दोस्तों, मैं इन सरदार जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोरोना का इलाज आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन हमारे समाज में जो जातिवाद, धर्म, करप्शन, जिस तरह का जहर घुल रहा है, अगर हम आज एक नहीं हुए तो इसका खामियाजा हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को भुगतना पड़ेगा, और तब जब आँखें खुलेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। प्रधानमंत्री पे भरोसा होता तो इतनी जनता इकट्ठी हुई होती है। हम आपको बोले आप रिपोर्टरी छोड़ के पंचर की दुकान लगा लो, लगाओगे? हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, जब आप चाय बनाने वाले को सरकार दोगे तो वो चाय बनाने वाला क्या करता है, बेड़ा घर करता है। आप कृषि मंत्री को पूछ लो, उसने कभी हल भी चलाया होगा आज तक? स्मृति ईरानी को बोलो अपनी क्वालिफिकेशन लेके आ। ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि हम न्यूनतम स्तर की नौकरी के लिए भी अप्लाई करें, चाहे वो चपरासी की नौकरी क्यों ना हो, वहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशन हमसे पूछी जाती है। लेकिन जो इस देश को चलाते हैं, जी हाँ सरकारी नुमाइंदे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनकी क्वालिफिकेशन पूछने का हक हमें नहीं है। यहाँ तक कि बिना किसी एक्सपर्टीज़, बिना किसी एक्सपीरियंस और तो और क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बावजूद हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए उन्हीं लोगों को वोट दे देते हैं और फिर से अपने देश की बागडोर उनके हाथ में सौंप देते हैं। आप एक बार सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर ड्राइविंग ना करी हो, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, और आप उसको अपनी गाड़ी की चाबी दे दें और आप पिछली सीट पर बैठ जाएं, तो क्या होगा? ये बहुत गहरी बात है, अगर आप समझ सकें तो समझिएगा। आज आम आदमी की आवाज़ ये किसान भाई लोग बने हुए हैं, क्योंकि हम लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते, चाहे सिलेंडर के दाम कितने ही बढ़ जाएं, चाहे डीजल पेट्रोल के दाम रोज़ बढ़ें, लेकिन हम चुप रहते हैं। लेकिन किसान चुप नहीं रहेंगे, और अगर वो चुप रह गए तो वो दिन भी दूर नहीं जब पूंजीपतियों के हाथ और किसान की गर्दन में कोई फासला नहीं रहेगा, और तब किसानों से मिलने वाला अनाज इन पूंजीपतियों के गोडाउन में भरा रहेगा और वो अपने मनमाने दामों पर देंगे, और जनता जो है वो झक मार के उन्हीं दामों पर खरीदेगी, और तब भी जनता चुप रहेगी।
एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से मुझे लगा कि यह इंटरव्यू और मेरी बातें मैं आप तक पहुंचाऊं। अगर आप मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं तो भी आपको पूरा हक है कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखने का, और यही इस देश की खूबसूरती है कि हमें हर किसी के विचारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी बातों से आप सहमत हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। सो इसी बात के साथ मैं लेता हूँ अलविदा कि बहुत जल्द जो है केंद्र सरकार समझेगी, सुनेगी किसानों की बातों को और किसानों को मिलेगा न्याय, और बहुत जल्द ऐसी सुबह आने वाली है कि ये सभी किसान भाई अपने खेतों को अपने परिवार के पास वापस लौटेंगे और आने वाली मकर संक्रांति या वैसाखी पे फिर से वैसे ही गिद्दे भंगड़ा और खुशनुमा माहौल होगा और हमारा जो देश है वो वापस से पटरी पे आएगा और सभी जगह खुशियां होंगी। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।